जिले के सेगांव विकास खंड में धर्मांतरण का मामला पुनः गरमाया है, जहां गाटला खेड़ी पंचायत के ग्राम वकाना में एक मकान के अंदर अन्य धर्म की गतिविधियां संचालित की जा रही थी। बुधवार को सुबह सकल हिंदू समाज के युवाओं को समीपस्थ ग्राम के एक मकान में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर पुलिस के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम को रोका। सकल हिंदू समाज के ओम यादव ने बताया कि उक्त मकान में हिंदू समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसे पुलिस को सूचना देकर कार्यवाही कराई। टीआई लक्ष्मण सिंह लोवंशी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर संबंधित लोगों को बुलाकर पूछताछ की गई। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सूचना मिली थी कि घाटला खेड़ी ग्राम पंचायत के समीपस्थ बकाना में कुछ विधर्मियों का धर्मांतरण की सूचना मिली थी कि बाहर से काफ़ी लोग आए हुए हैं और इस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। उसकी सूचना मिली, उसकी सूचना समीपस्थ चौकी सेगांव में उसकी सूचना दी और पुलिस को अवगत कराया गया। उसके बाद में फिर वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची और मौके पर पहुँचने के बाद में उनका भी यहाँ पर लाया गया है। क्या धर्मांतरण हो रहा था ऐसा लग रहा है? हाँ, वही मामला है। क्या नाम लिखते हैं आप? ओम प्रकाश यादव। धर्मांतरण का मामला है, क्या कहेंगे? ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी ग्रामीणों के द्वारा कि बकाना घाटला खेड़ी के पास कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो धर्मांतरण करा रहे हैं। इस पर पुलिस पार्टी को मौके पर भेजा गया और वहाँ से लोगों से पूछताछ करने के लिए कुछ लोगों को लेकर आए हैं, जिनके कथन लिए गए, जिन्होंने बताया कि मकान की ओपनिंग थी और पूजा पाठ के लिए नए वर्ष के हिसाब से इनको आमंत्रित किया गया था, तो उसकी आवेदन लेके जांच की जा रही है और जैसी भी स्थिति बनेगी वैसी कार्रवाई की। सर, सकल हिंदू समाज का आरोप है कि वहाँ धर्मांतरण हो रहा था जबरन? नहीं, अभी तक की जांच से तो ऐसा पता नहीं लगा है, लेकिन जांच होने के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।